वेस्ट इंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए लगातार कई सालों से खेलने वाले बल्लेबाज और गेंदबाज कारन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ये बात सच है कि कारन पोलार्ड का रिसेंट अगर देखें फॉर्म अच्छा रहा नहीं था। भारतीय दौरे पर जब वेस्ट इंडीज की टीम आई थी तब भी कारन पोलार्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था और एक्सपेक्टेड था कि शायद कारन पोलार्ड जो है वो कप्तानी छोड़ देंगे। वो कप्तान भी थे और साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल क्रिकेट में हर फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कुल मिलाकर देखें तो 123 ओडीआई मैचेस खेले और इसमें 2706 रन बनाए, 55 विकेट भी उन्होंने हासिल किए थे। वहीं पर T20 मैचेस की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो 101 T20 मैचेस खेले, 1569 यानी कि 1569 रन बनाए और 42 विकेट इन्होंने लिया था। और कुल मिलाकर देखें 101 मैचेस इन्होंने T20 लेवल पर खेला। लेकिन आज इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर उन्होंने आज कमेंट लिखा था कि भाई बहुत ज्यादा सोचने विचारने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल पर वेस्ट इंडीज टीम के लिए नहीं खेलूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आज भी मुझे याद है कि पहली दफा जब 2007 में मैंने डेब्यू किया था तो ब्रायन लारा ने मुझे वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का कैप दिया था, उस पल को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। काफी इमोशनल दिखे कारन पोलार्ड। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कारन पोलार्ड अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे? क्या कारन पोलार्ड इसी सीजन में मुंबई इंडियंस को भी बीच में छोड़ देंगे अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होता रहा? यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कम से कम मुंबई की टीम के लिए अभी तो खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए अब कारन पोलार्ड वो वेस्ट इंडियन जो मैरून जर्सी है उसमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कारन पोलार्ड कैसे लगते थे आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।